नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ टेस्टी सी बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी बहुत इजी वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ ब्रेड क्रम्स नहीं होने की वजह से मैं ब्रिटानिया का ये टोस्ट ली हूँ। टोस्ट से ही मैं ब्रेड क्रम बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टोस्ट को तोड़ लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ ही इसमें थोड़ी सी नमक, यहाँ पर एक बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर और ये दो बड़े चम्मच पोहा चूड़ा, ड्राई चूड़ा डालूंगी, ड्राई पोहा। इसे डाल के मिक्सी के डाल में ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी ब्रेड क्रम्स बहुत टेस्टी से रेडी हो गई है। बाउल में तीन बड़े आलू ग्रेट किए हुए लेंगे, थोड़े छोटे छोटे कटे हुए बीन्स, गाजर दो तीन ग्रेट, और यहाँ मैं तीन चार चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्ची, नींबू का रस और नमक डाल के इसे एक अच्छा सा बाइंड देंगे। नींबू का रस डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं ले करके छोटे छोटे मैं गोली बना लूंगी इस तरह से, जिस तरह मैं बना रही हूँ गोल बनाऊंगी और उसे थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगी। बर्गर के अंदर की ये टिक्की बन रही है। यहाँ हम मैदा लेंगे, तीन चार चम्मच है ये, इसमें नमक डालेंगे और ठंडा पानी, नॉर्मल पानी डाल करके एक स्लरी बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे ताकि लम्स बिल्कुल भी ना हो। स्मूथ बैटर बन गई है। एक तरफ हम स्मूथ बैटर रखेंगे, एक तरफ बीच में ब्रेड क्रम्स रखेंगे और एक साइड टिक्की रखेंगे। और हम एक हाथ को हम मैदे के लिक्विड के लिए यूज़ करेंगे और एक हाथ ब्रेड क्रम्स के लिए। इस तरह हमारे दोनों हाथ जो हैं वो फैलेंगे नहीं। दोनों हाथ में इस तरह से करने से बहुत सफाई से काम होती है। एक हाथ में हम टिक्की लेंगे और टिक्की को मैदे के घोल में डुबा करके ब्रेड क्रम्स वाले में डालेंगे और दूसरा हाथ जो है उससे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और उसी हाथ से प्लेट में टिक्की को रख देंगे। फिर एक हाथ से टिक्की को उठाएंगे, मैदे के घोल में डालेंगे और उसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे हाथ को हम ब्रेड क्रम्स लगाने में यूज़ करेंगे। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारी दोनों हाथ जो है वो गंदी नहीं होगी, बहुत साफ़ सुथरी सी रहेगी और काम हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत साफ सुथरे से ये टिक्की हमारी बन जाएगी और ब्रेड क्रम्स लग जाएगी, है ना। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से, कितने आराम से हमारी टिक्की में ब्रेड क्रम्स की एक कोट अच्छी तरह लग जा रही है। इस तरह से सभी टिक्कियों में मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। बहुत सफाई से काम होती है इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो। दोनों हाथों को आप स्लरी में मत डिप कीजिए, एक हाथ को स्लरी के लिए रखिए और एक हाथ को ब्रेड क्रम्स के लिए, है ना। ये हमारी सारी टिक्की में ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। अब इसे मैं सेलो फ्राई करूंगी। तवे पे थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से हीट होने देंगे। अब इसमें मैं एक एक टिक्की करके डालूंगी। और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे क्रिस्पी हम कलर आने देंगे। साइड से जब दिखाई देगी, हल्की ब्राउन कलर दिखाई देने लगेगी, तब आप इसे पलटिए। बार बार इसे आप स्पैचुला लगा करके मत चेक कीजिए, नहीं तो ये टिक्की बहुत नाजुक होती है और ये टूट जाएगी, है ना। इसमें वेजिटेबल भी बहुत है, गाजर है, बीन्स हैं, है ना, तो ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। बची हुई टिक्कियों को भी रख के तवे पे मैं सेलो फ्राई कर लूँगी। और गाइस ये टिक्की रियली बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे यूं भी सॉस के साथ या चटनी के साथ लगा करके इवनिंग स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। यहाँ मैं
टमाटर और प्याज को राउंड राउंड कट करके रखे थे, इसे भी तवे पे डाल करके एक रोस्ट कर देंगे, जिससे इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगी और ये बहुत टेस्टी लगती है। खीरा भी काटे थे मगर उसे तवे पे नहीं डालेंगे, उसे यूं ही लगाएंगे। हल्की हल्की सी सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे और पलट पलट के दोनों तरफ हल्का सा कलर ले आएंगे। आप इस तरह से बर्गर में ऑनियन और टमाटर को लगाइए तो उसमें बहुत अच्छे से एक स्मोकी फ्लेवर आती है। इसे पलट देंगे, बहुत ज़्यादा सेकने की आवश्यकता नहीं है। तवे पे हल्का सा बटर लगाएंगे, बर्गर को दो पीस में कट करके रखे थे उसे पलट के अच्छी तरह क्रिस्पी होने तक, थोड़ा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे। यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी कलर आ गई है। अब बर्गर को असेंबल करने की बारी आती है। इसके नीचे के पार्ट को पहले नीचे रखेंगे, बर्गर के नीचे वाले पार्ट को नीचे रखेंगे। इसमें हम मेयोनीज की एक लेयर लगाएंगे, ये वेज मेयोनीज है, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसकी एक लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे और टिक्की के ऊपर ऑनियन, टोमेटो और कुकुम्बर, खीरा रख के पूरे बर्गर को हम बहुत अच्छी तरह डेकोरेट कर लेंगे। यदि आपके पास चीज़ की स्लाइस हो, वो स्क्वायर वाली जो आती है, वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैं होममेड गार्लिक सॉस बनाई थी, ये टोमेटो केचप है, इसमें गार्लिक बटर है और ओरिगेनो है और चिली फ्लेक्स मिला के इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दिए हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें बटर की भी फ्लेवर आती है क्योंकि गार्लिक बटर है। ये घर में बना के मैं रखती हूँ। इसकी एक लेयर लगा देंगे बर्गर के ऊपर में, ऊपरी जो टॉपिंग वाला पार्ट है उसमें, और इसे लास्ट में ऊपर में असेंबल कर देंगे। एक टूथपिक लेकर के हम ऊपर डाल देंगे, ऊपर से इंसर्ट कर देंगे, जिसे खाते समय बर्गर के पीसेस जो है इधर उधर हिलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह हम हाथ में पकड़ के इसे खा सकते हैं। तो आप घर पर बहुत टेस्टी सी बर्गर बनाइए और हमसे साझा कीजिए आपकी बर्गर कैसी बनी थी। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और यदि रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक ट्राई देना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारी गुजारिश है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।